हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज है, सत्यजीत रे अवार्ड गोज टू माइकल डगलस। अभी देखिए, सत्यजीत रे अवार्ड अनाउंस हुआ है। ये अवार्ड अनाउंस कब हुआ? अभी गोवा फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI चल रहा था, जिसमें अभी सत्यजीत रे अवार्ड को अनाउंस किया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवार्ड गया है किसके किसको? एक हॉलीवुड के डायरेक्टर है, माइकल डगलस, इन्हें मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा ये और भी डिफरेंट कैटेगरी में इस अवार्ड को अनाउंस किया गया, जैसे कि बेस्ट फिल्म। ये बेस्ट फिल्म कैटेगरी का अवार्ड मिला एंडलेस बॉर्डर, एक फिल्म है, यहां देख सकते हैं एंडलेस बॉर्डर एक फिल्म है, इसको, ये एक पर्सियन फिल्म है, इसको दिया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक सत्यजीत रे अवार्ड। इसी कैटेगरी में और भी अवार्ड दिए गए, जैसे कि स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है कांतारा मूवी को, जो ऋषभ शेट्टी का मूवी है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पौर्णिया रश्मि सैम को, बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड पंचायत सीजन 2 को, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड एंडलेस बॉर्डर को मिला है। नेक्स्ट न्यूज इज, श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार अभी अनाउंस हुआ है। ये एक नेशनल कैटेगरी का अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, जो दिया गया है ज्योति सिन्हा को, ज्योति सिन्हा को। ये अवार्ड इन्हें मिथिला पेंटिंग में उत्कृष्ट एक्सलेंट वर्क के लिए ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले ये है ज्योति सिन्हा, इनको इससे पहले सीता देवी अवार्ड भी मिल चुका है, सीता देवी अवार्ड भी मिल चुका है। ये दिव्यांग है और ये अवार्ड जो दिया जाता है, श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड, ये जो पर्सन्स विथ फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं उनके इम्पावरमेंट के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये ज्योति सिन्हा जो है, ये बिलोंग करती है मुजफ्फरपुर से। अगला न्यूज है, क्राइमेक्स सॉफ्टवेयर से नजर रखेगी पुलिस। देखिए, अभी बिहार पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, डेवलप करवाया है मतलब, इसका नाम क्या है? क्राइमेक। तो क्राइमेक्स सॉफ्टवेयर यूज किसके लिए किया जाएगा? टू ट्रैक क्रिमिनल्स, जैसे कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो जेल के बाहर होते हैं, उन पर नजर रखने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सॉफ्टवेयर। देखिए, इस सॉफ्टवेयर को क्या किया जाएगा कि डिफरेंट जो पुलिस ऑफिस है उसको कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें फेड होगा, जो क्रिमिनल्स होंगे उनका डाटा फेड होगा, और इसके थ्रू ये जो है इंटरकनेक्टेड रहेगा डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन से, और इससे ट्रैक किया जाएगा किसको? ट्रैक किया जाएगा क्रिमिनल्स को। तो हमें क्या याद रखना है कि इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, जिसे बिहार पुलिस अभी यूज करने वाली है फॉर ट्रैकिंग ऑफ क्रिमिनल्स? तो इसका नाम है क्राइमेक। न्यूज है, वज्रपात का आएगा अलर्ट, यंत्र बना रहा IIT। देखिए, वज्रपात क्या होता है? ये एक लाइटिंग फेनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ग्राउंड पे, कहाँ? बादलों से। इससे क्या होता है कि इसमें लाखों एम्पीयर का करंट होता है, जिससे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, आग लग सकता है, या किसी भी पर्सन का डेथ हो सकता है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, और वो जल भी सकता है, इतना ज्यादा इसमें करंट होता है। तो बिहार में अभी क्या है कि जो लाइटनिंग फेनोमेना है, इसको क्या घोषित किया जा चुका है? डिजास्टर। तो डिजास्टर ये घोषित किया जा चुका है क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है बिहार में। तो लाइटनिंग के बारे में अलर्ट जारी करने के लिए इससे अभी एक पेंडेंट बनाया जा रहा है, एक पेंडेंट बनाया जा रहा है, जो क्या करेगा? अलर्ट करेगा लोगों को किस चीज के बारे में? अलर्ट करेगा लाइटनिंग के को एंटिसिपेट करके, पहले ही लोगों को बता देगा कि अभी लाइटनिंग होने वाली है या आंधी तूफान जैसी स्थिति आने वाली है।
तो ये पैंडेट जो होगा, ये पैंडेट डेवलप किया जा रहा है, डेवलप्ड बाय आईआईटी पटना। अच्छा, इसका मैकेनिज्म जो है वो बेस्ड किस पर है? ये इलेक्ट्रो थर्मल चार्जिंग, ये एक इलेक्ट्रो थर्मल डिवाइस है। मतलब ये क्या करेगा, बॉडी के हीट से चार्ज होगा और ऑपरेट करेगा। मतलब इस डिवाइस को चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, हमें क्या याद रखना है कि एक पैंडेट डेवलप किया जा रहा है किस चीज के लिए, लाइटनिंग फेनोमेना के एंटिसिपेशन के लिए और अलर्ट जारी करने के लिए। जिसको डेवलप कौन कर रहा है, आईआईटी पटना डेवलप कर रहा है। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा इसका मैकेनिज्म, तो इलेक्ट्रो थर्मल चार्जिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। अभी टोटल 2023-24 में टोटल 4 लाख अनएम्प्लॉयड लोगों का क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ कहाँ, बिहार में। तो ये रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा? देखिए, अभी क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है पूरे इंडिया के अंदर। मतलब अगर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात करें, तो मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये है यूपी में। और जो सेकेंड मैक्सिमम है, मतलब कि दूसरे नंबर की बेरोजगारी जो सबसे ज्यादा है, वो है बिहार में। तो लोगों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनका रजिस्ट्रेशन करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कर देने से इनको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को पता होता है कि कितने लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, मतलब रेडी टू वर्क हैं। तो उस हिसाब से अगर कोई भी, मान लीजिए कोई वैकेंसी वगैरह आती है या कोई जॉब फेयर लगता है, तो जो भी निबंधित पर्सन है उनको, मतलब जो भी रजिस्टर्ड है उनको क्या जाता है, एक मैसेज आता है और रोजगार के बारे में इनको जानकारी दी जाती है, या फिर जो जॉब फेयर लगता है उनमें इनको इनवाइट किया जाता है और वहां से इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो अभी बिहार में 2023 और 24 सत्र के लिए कितने लोगों को निबंधित किया गया है, कितने लोगों को रजिस्टर किया गया है, तो 4 लाख लोगों को, 4 लाख लोगों को रजिस्टर किया गया। अगला न्यूज है, मौत के मुंह से फंसे सभी 41 श्रमिक की वापसी। अभी देखिए क्या हुआ था, जो सिलकियारा टनल था, ये टनल था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये टनल कोलैप्स हो गया था 12 नवंबर को, जिसमें टोटल कितने 41 जो लेबर थे वो उसमें फंस गए थे। तो इनको अभी रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू किया गया है कहां से, सिलकियारा टनल से। तो हमें जानना है सिलकियारा टनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि जो लेंथ था, टोटल लेंथ ऑफ टनल वो था 4531 मीटर। ये टनल का लेंथ 4531 मीटर का लेंथ था, और ये हिस्सा था किसका, चार धाम प्रोजेक्ट जो अभी गवर्नमेंट का चल रहा है उसका ही ये हिस्सा था। तो चार धाम में क्या क्या आता है, चार धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चार धाम को कनेक्ट करने के लिए अभी रोड बनाया जा रहा है, जिसके जिसके हिस्से में, जिस रोड पे सिलकियारा टनल था जो कोलैप्स कर गया था, जिससे 41 लेबर को अभी रेस्क्यू किया गया है। तो इस टनल का जो टोटल लेंथ था वो था 4531 मीटर। होस्ट राउंड टेबल ऑन माइस टूरिज्म ऑन नवंबर 30। देखिए, इंडिया अभी एक राउंड टेबल अरेंज करने वाला है कॉन्फ्रेंस, जो किसके लिए है, माइस टूरिज्म के लिए है। अभी देखिए, हम लोगों को समझना है कि ये माइस टूरिज्म क्या है, माइस टूरिज्म क्या है। देखिए, इंडिया को चाहती है गवर्नमेंट क्या, कि एक टूरिज्म हब बनाए, मतलब कि एक हब बनाए जहां कॉन्फ्रेंसेज हो, कॉन्फ्रेंस
हब बनाने के लिए ये राउंड टेबल किया जा रहा है। इसमें विचार किया जाएगा कि किस तरीके से इंडिया को इस तरह से डेवलप किया जाए कि ये कॉन्फ्रेंस हब बने, किसका, वर्ल्ड का कॉन्फ्रेंस हब बने। जैसे कि हम लोग देखते हैं, कॉन्फ्रेंस हब कहने का मतलब है कि जैसे देखिए कोई भी कन्वेंशन होता है या कोई भी मीटिंग होता है वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड लेवल पे, तो जैसे होते हुए स्विट्जरलैंड में या बॉन में, जर्मनी में, ऐसे कुछ कंट्रीज है जहाँ सम्मेलन, कोई भी समिट होता है जो बार बार होते रहता है। तो ऐसे में इंडिया भी प्लान कर रहा है कि जो समिट डेस्टिनेशन बनाने का इंडिया को, तो इसीलिए ये माइस टूरिज्म कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जिसमें विचार किया जाएगा कि कैसे इंडिया को टूरिज्म हब बनाया जाए। तो देखिए सबसे पहले माइस का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। तो एम का मतलब है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो देखिए इन चार चीजों पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया जाएगा और आगे का जो भी प्लान है उसको बनाया जाएगा। नियरली 20 लाख इंडिविजुअल्स टुक पार्ट इन विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो देखिए हम लोग जानना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी किसके द्वारा शुरू किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 15 नवंबर को, कब? जनजातीय जनजातीय गौरव दिवस के डे पे, गौरव दिवस डे। अब ये जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाता है बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुरुआत किया, जिसमें लगभग लोगों ने, जब लगभग 20 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमें याद रखना है विकसित भारत संकल्प यात्रा कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया, और इसके साथ साथ ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे स्टार्ट किया गया था। और हाँ, ये स्टार्ट किया गया था कहाँ से? रांची, खूंटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये चार पांच फैक्ट है जो हमें याद है। चलिए फिर अब देखते हैं आज का क्विज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्विज देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर विल बी यूज्ड बाय बिहार पुलिस फॉर ट्रैकिंग ऑफ क्रिमिनल्स। बिहार पुलिस अपराधियों पर नजर रखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी? तो देखिए न्यूली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, उसका क्या नाम है? क्राइमेक। क्राइमेक सॉफ्टवेयर है जो बिहार पुलिस यूज करेगी अपराधियों को, अपराधियों पर नजर रखने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विच फिल्म वोन सत्यजीत रे गोल्डन पिकॉक अवार्ड? किस फिल्म ने सत्यजीत रे गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है एंडलेस बॉर्डर। एंडलेस बॉर्डर फिल्म को अभी गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है, और ये सत्यजीत रे फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया प्रमोद सावंत के द्वारा, भाई प्रमोद सावंत, जो कि है गोवा के सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड फॉर हर वर्क इन मधुबनी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर है ज्योति कुमारी, जो बिलोंग करती है मुजफ्फरपुर से। इन्हें मिथिला पेंटिंग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिव्यांगजन, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड मिला है फॉर मिथिला पेंटिंग वर्क। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी विल डेवलप अ इलेक्ट्रो थर्मल पेंडेंट फॉर अलर्ट अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग? कौन सा आईआईटी तूफान और बिजली के खिलाफ चेतावनी के लिए इलेक्ट्रो थर्मल पेंडेंट विकसित करेगा? ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर है आईआईटी पटना।
आईआईटी पटना अभी एक पेंडेंट डेवलप कर रहा है जो अलर्ट करेगा लोगों को लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के बारे उनके लिए के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा वाज स्टार्टेड बाय विच इंडियन लीडर। विकसित भारत संकल्प यात्रा किस भारतीय लीडर ने शुरुआत किया? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। देखिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुरुआत किया गया, और ये कहाँ से किया गया? खूंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ सिलगियारा टनल ऑफ उत्तरकाशी? उत्तरकाशी की सिलगियारा सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 4531 मीटर। देखिए, सिलगियारा टनल जो कोलैप्स हो गया था कब, 12 नवंबर को, इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 4531 मीटर, और ये पार्ट है सिलगियारा टनल जो है ये पार्ट ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट है। चारधाम प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो बिहार एग्जामिनेशन, जो भी बिहार में एग्जाम होते हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, ताकि हम और वीडियो आपके लिए ला सके। हमारा टेलीग्राम लिंक है बीपीएससी क्वेस्ट, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और इस वीडियो का पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।